हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और एक बार फिर एक बहुत ही बोरिंग सेक्शन लेके चले आए हम, पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, ये आपके लिए है क्योंकि नेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, सिर पे ही है। तो ये 2018 का एक और पेपर है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि साल में दो बार नेट का पेपर होता है। इससे पहले कि जितने भी पेपर, अगर आप नए हैं तो सारा पेपर है अपलोडेड है चैनल पे, आप उसको देख लीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो। चलिए, जिनको ज़रूरत है उन्हीं को देख लेते हैं, वो मतलब हमारे साथ देख लीजिए, मतलब हम बोलेंगे आप सुन लीजिएगा, देन कोई गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी। चलिए, राइटर है यहाँ, नेम ऑफ वर्क है, तो डायरेक्ट मैच देखते हैं। क्वेश्चन देखने की क्या ज़रूरत है, वैसे देख के करिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन चूंकि ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्कशन है या पेपर सॉल्व वाला है, तो मैं डायरेक्ट आंसर पे आती हूँ, जिससे कम टाइम में मैं ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुँचा सकूँ। काफ़ी बात हो गई आज, लेट्स बिगिन। जॉर्ज पेटेनहम, आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी, थॉमस स्पार्ट, द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी, लेविस बेलिल सॉरी द प्रैक्टिस ऑफ पिटी एंड थॉमस हॉब्स लेवियाथन। एक्चुअली इतना रीडिंग के बाद ना थोड़ा स्लिप हो जा रहा है टंग, मतलब बोलना है कुछ, बोल दे रहे हैं कुछ, तो उसको ज़रा देख लीजिएगा। ओके, आई नो आप लोग देख लोगे। आई एलन सेली, क्वेश्चन नंबर टू, आई एलन सेली द ट्रॉटर नामा trace the history of an Anglo-Indian community in a chronicle of seven generation of a trotter's family, told the seventh trotter. This narrator is, तो आपको बताना ये है कौन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अ फ्रॉजर इन इंडियन मिनिएचर्स, और इरविन एलन सेली, फर्स्ट नॉवल द ट्रॉटर नामा was published in 1988 and that tells the story of seven generation of Anglo-Indian family. ठीक है, बाकी उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1991 में एंड पद्मश्री मिला था 2012 में। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, रियलिटी इज दैट नथिंग हैपन, हाउ मेनी ऑफ इवेंट ऑफ अ हिस्ट्री हैव अकर्ड, आस्क योर सेल्फ फॉर दिस एंड फॉर दैट रीजन, बट फॉर नो अदर रीजन फंडामेंटली देन द डिज़ायर टू मेक थिंग्स हैपन। I present you history, the fabrication and diversion, the reality obscuring drama, which postmodern novel thus subverted the truth claim of traditional historiography. अब आपको बताना है कि ये जो ऊपर का स्टेटमेंट आपने पढ़ा या मैंने जो पढ़ा वो किस नॉवल से है जो कि पोस्ट मॉडर्न है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ग्राहम स्विफ्ट, वाटरलैंड। इसको 1983 में इन्होंने निकाला था, और बाकी इसको देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ा है। ओके, वाटरलैंड इज कंसिडर विद द नेचर ऑफ अ इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म। ओके, इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म माना जाता है। इट ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉडर्न लिटरेचर सच एज फ्रेगमेंटेड नैरेटिव स्टाइल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द प्लॉट ऑफ द नॉवल बेसिकली रिवॉल्व अराउंड द लूजली इंटरवोवन थीम एंड नैरेटिव, इंक्लूडिंग ब्रदर्स जेलसी फॉर प्लॉटर, नैरेटर्स वाइफ, रिजल्टिंग मर्डर, अबॉर्शन द गर्ल, हर सब्सिक्वेंट इनएबिलिटी टू कंसीव, रिजल्टिंग डिप्रेशन एंड किडनैप ऑफ बेबी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस नॉवल में होती हैं। इन 1992 द बुक वॉज मेड इन टू अ फिल्म। ग्राहम स्विफ्ट की अदर नॉवल्स देख लेते हैं, अदर वर्क देख लेते हैं। शटल कॉक 1981, वाटरलैंड 1983, लास्ट ऑर्डर 1996। इनको जो अवार्ड मिला है वो भी देख लेते हैं। मेमोरियल प्राइज 1983, बुकर प्राइज 1996, जेम्स टेंट ब्लैक मेमोरियल प्राइज 1966। Then ending to denote the plural noun as in oxen, children and breathen has survived from the, तो old English practice in making a plural noun। ठीक है, so ये तो उस तरीके का question है। Then question number फाइव, what type of writing did Walter Petter define as the special and opportune art of modern world? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, नॉन फिक्शन प्रोज। वाल्टर होरेशियो पेटर, बिगॉट ऑन क्रिश्चियनिटी बेसिकली, पॉपुलर इन वर्क ऑन रेनाइसा, सब्जेक्ट इज विजिटेड फ्लोरेंस, पीजा,
पिज़ा ने पीसा एंड रेविन. मेनली पेटर वॉज अ फिक्शनल राइटर, इंग्लिश एसेस्ट, लिटरेरी एंड आर्ट क्रिटिक एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्ट. पेटर डिफाइन नॉन फिक्शन प्रोज एज अ स्पेशल एंड ऑपर्च्यून आर्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. ठीक है, बेसिकली लिटरेरी वर्क इज बेस्ड ऑन द फैक्ट इवन दो इट मे कंटेन फिक्शनल एलिमेंट. नॉन फिक्शन वर्क उनके जो हैं पेटर के, वो देख लेते हैं, पिक्चर ऑफ डॉरियन ग्रे और द एज ऑफ इनोसेंस एडिथ वॉर्टन. ठीक है, प्रेज एज अ वंडरफुल न्यू वॉल्यूम, रनाइसा 1873 एंड मॉरियस एंड एपिक्योरन 1885. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वर्ल्ड ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड. इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अ वे ऑफ द वर्ल्ड फेल्ड ऑन द स्टेज. ठीक है, दो की ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट, मतलब रिगार्डेड एज बेस्ट रेस्टोरेशन कॉमेडी. द वे ऑफ द वर्ल्ड को कहा जाता है कि बेस्ट थी रेस्टोरेशन कॉमेडी में, लेकिन जब इसको स्टेज पे परफॉर्म किया गया था ना, तो ये बिटरली फेल हो गया था. ओके, ये याद रखिएगा. यस, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द अल्टरनेटिव टाइटल थिंग एज दे आर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, विलियम गॉडविन, कैलेब विलियम्स. ठीक है, उसका जो अल्टरनेटिव टाइटल है वो है थिंग्स एज दे आर. विलियम गॉडविन एक जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, फिलोसोफर हैं, नॉवलिस्ट हैं एंड ही इज़ फर्स्ट एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलियरिज्म एंड द फर्स्ट मॉडर्न प्रोपोनेंट ऑफ एनार्किज्म. इनका अदर लिटरेरी वर्क अगर देखा जाए तो एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, अटैक ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और थिंग एज दे आर. क्वेश्चन नंबर 8, द मार्लो डॉक्टर फॉस्टर्स, व्हाट बुक डज वेल्स काउंसिल फॉस्टर्स टू स्टडी इन प्रिपरेशन ऑफ फॉर कंज्यूरिंग अप द स्पिरिट. अब वेल्स जो है वो क्या सजेस्ट करते हैं फॉस्टर्स को कि आप इसको पढ़ो अगर आपको स्पिरिट्स को कंज्यूर करना है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज द वर्क ऑफ बेकन एंड एबनस और द हिब्रू प्लास्टर एंड द न्यू टेस्टामेंट. ठीक है, तो ये सारे जो बुक्स हैं उसको बोला था, मतलब उसको पढ़ा था फॉस्टर्स ने कंज्यूर करने के लिए. देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज कोटेड एज अ एपिग्राफ ऑफ रेजन, अ रेजन इन द सन बाय लोरेन हंसबरी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, हर्लेम, द ड्रीम डिफर्ड. An epigraph is an effective literary tool that some writer utilize to focus the reader towards the theme proposes on concern behind the work. तो इसके बारे में है कि क्या है एपिग्राफ. देन क्वेश्चन नंबर 10, द एडरेंट ऑफ द 14th सेंचुरी रिलीजियस मूवमेंट एसोसिएटेड विद द वर्नैकुलर प्रीचिंग ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट इन टू द इंग्लिश एंड चैलेंजेस टू द अथॉरिटी ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप दे वर कॉल्ड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉलार्ड्स. लॉलार्ड्स वर द पॉपुलर डेरोगेटरी निकनेम गिवन टू दोज हु वर विदाउट एकेडमिक बैकग्राउंड, एजुकेटेड ओनली इन इंग्लिश, हु वर इमिटेशन on John Wycliffe teaching and were certainly considerable and energized by the translation of Bible into the English language. Lollards had come to mean heretic in general by mid 15th century. It was mainly pre-Protestant Christians, Christian religious movement that existed from the mid-19th century or to the English Reformation. They are started as John Wycliffe, a Roman Catholic theologian. The Lollards demanded were primarily for reform of the Western Christian. तो इसमें कुल मिला के आपको Lollards के बारे में information दी गई है. ये जो थे एक तरीके से disciple बोले जाते थे या follower बोले जाते थे Wycliffe के, उन्होंने उनकी teachings को follow किया और एक नए तरीके का reformation की demand रखी. okay? What is an impaled reader? तो इसका correct option है A, the term impaled reader coined by the Booth in 1961, the term implied reader is a function of the work even though it is not presented in the work. The implied reader is ultimately one of the attributes of the concrete readers reconstructed impaled author. It followed that the impaled reader is no less dependent on the reader's individual act for reading, understanding and reconstructing than the impaled author whose attribute it is. Although an intended reader is not fixed in that
in the text but exists merely in the imagination of the author and who can be reconstructed only with the letter statement or extra textual information does not form the part of the work. Question number 12. Which post-war British poet end a poem with the line "Get stewed, book are a load of crap"? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए फिलिप लार्किन और ये जो पोइट्री है वो है स्टडी ऑफ रीडिंग हैबिट. ठीक है, ये पूरा पूरा वर्क है. क्वेश्चन नंबर 13. हु अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पलीफाइड द रोल ऑफ द पीजेंट पोएट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज जॉन क्लेयर एंड रॉबर्ट बर्न. जॉन क्लेयर एंड रॉबर्ट बर्न आर नेम एज पीजेंट पोएट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आइडिया अबाउट द ओरिजिनल जीनियस. द इमेज ऑफ द पीजेंट पोएट वॉज pervasive part of the literary culture and a standard means of representing acceptable working class literature. ठीक है, सो ये जो है ये रॉबर्ट क्लेयर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है और ये रॉबर्ट बर्न के बारे में है. रॉबर्ट बर्न को भी मतलब ऑल्सो नोन एज रेबी बर्न. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. इट वॉज फर्स्ट नैरेटिव ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ अ ब्लैक वुमेन स्लेव टू बी पब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन 1831. इट हैज़ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द एबॉलिशन मूवमेंट इन ब्रिटेन. आइडेंटिफाई द बुक एंड इट्स ऑथर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मैरी प्रिंस, द हिस्ट्री ऑफ मैरी प्रिंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15. One of the most flexible meter dash is a 5-foot line. It was introduced by Geoffrey Chaucer in the 14th century and has since then become a commonest of the meter in English poetry. Bataiye. Iska correct option hai B, pentameter. Ye pura pura hai. Theek hai? Question number 16. This poet was Auden generation and was only briefly a member of the Communist Party. In his poem, The Pylons, the avowed that pylons are a bear like a new giant girl that have no secrets. This promoted the level pylon poets for new generation of poets who were happy to use the gas work or pistons of a steam engine in a poetic imagery. Ab aap batao kaun hai ye? To iska correct option is Stephen Spender. Stephen Harold Spender was an English poet, novelist and essayist who focused on the theme of a social injustice and class variation struggle. He was appointed poet laureate, consultant in poetry to the United States. Inka kuch important work dekh lijiye. The Pylons, The Generous Days, 9 Experiment, Poem, Dedication, Del Dolphin. Drama kaun kaun sa hai? The Trial of Judge, Oedipus Trilogy. Now over these small hill they have built the concrete. That trial, black wire, pylons, those pillars bear is rude giant girl that have no secret. ठीक है, ये इन्हीं की लाइन है. तो स्टीफन, ये जो ऊपर वाला लाइन है ना, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन पोएट है जो इस तरीके से बोला है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टीफन स्पेंडर. क्वेश्चन नंबर 17. ये पूरे पूरे स्टेंजा दिया हुआ है. अलास व्हाट बूट्स इट विद अनसेंटेड केयर. ठीक है, ये पूरा आपने पढ़ लिया. अब इसमें पूछा है Who are Amaryllis and Neaera in the above extract from John Milton Lycidas? ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. Amaryllis is a shepherdess mentioned in ancient pastoral poetry, notably in Virgil's Ecologues. Neaera is a nymph who appeared in Virgin Ecologues. ठीक है, ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18. Evelina was published in 1778 anonymously. Okay. So, Evelina or the History of a Young Lady, Entrance into the World is a novel written by English author Fanny Burney and published in 1778. It was published anonymously. Kisi naam se nahi publish hua tha. Theek hai? Aage badhte hain. Question number 19. Who among the following were referred to as the Scottish Chaucerian? So, iska correct option hai D. That is Robert Henryson and William Dunbar. आगे बढ़ते हैं. The enigmatic castle which K attempt to reach in vain in Franz Kafka the castle belonged to. तो इसका correct option है C. Kout West. ठीक है. So castle is in my humble opinion one of the greatest extensionalist.
ठीक है, जो फ्रेंस काफका हैं वो एक ग्रेट एक्सटेंशियलिस्ट हैं फिक्शन, और ये जो फिक्शन राइटर भी हैं। देन ये जो इनका वर्क है द कैसल, ठीक है, इसमें क्या है, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी के, इसमें इसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी उसका नाम के है, हु बाई ऑल डिस्क्रिप्शन इज अ सिंपल सर्वॉयर सेंट टू मेजर द लैंड कैनॉट रीच द काउंट ऑफ कैसल, जो एक ऐसी जगह पहुँचना चाहता है जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है, और उसका नाम है वेस्ट वेस्ट, ठीक है। और इनका जो वर्क है वो है डाई अरवेंडलंग, सो रियर प्रोसेस, ये इनके जो हैं मतलब जर्मन नेम है, बिकॉज ही इज़ अ जर्मन ऑथर, तो इसका इंग्लिश नेम देख लेते हैं, वो मेरे लिए इजी हो जाएगा प्रोनाउंस करना। द मेटामॉर्फोसिस 1915, द ट्रायल 1965, द कैसल 1926, लेटर टू द नोटेड फेलिस 1973-21, सेंट कोलरिज डिसेक्शन एंड ओड ओपन विद एन एपिग्राफ विच इज़ अ रेफरेंस टू अ बैलड, आइडेंटिफाई द बैलड किससे शुरू हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए बैलड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंसर। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द फायर साइड पोएट्स। फायर साइड पोएट्स आपको बताना है कौन है। तो फायर साइड पोएट्स ऑल्सो नोन एज द स्कूल रूम और अ हाउस होल्ड पोएट वर ग्रुप ऑफ 19th सेंचुरी अमेरिकन पोएट एसोसिएटेड विद न्यू इंग्लैंड, ठीक है, फॉर देयर डोमेस्टिक थीम्स एंड मैसेजेस ऑफ मॉरेलिटी प्रेजेंटेड इन कन्वेंशनल पोएटिक फॉर्म deeply shaped their era until their decrease in popularity at early stage of 20th century. These poets were very popular among the readers and critics both in US and elsewhere. Over with the group kaun kaun sa tha, usme tha Henry Wordsworth the, Longfellow the, Henry Wordsworth Longfellow ye ek hi insaan ka naam hai, then William Cullen, Bryant, the John Green of Whittier, then James Russell Lozell, Oliver Wendell Holmes, ये सारे जो हैं फायर साइड पोएट थे। तो आपको समझ में आ गया फायर साइड पोएट कौन थे, इनको स्कूल रूम और हाउस होल्ड पोएट भी कहा जाता था, और ऐसा इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी जो थीम होती थी वर्क की वो बहुत ही डोमेस्टिक थीम होती थी, मॉरेलिटी होता था उनके वर्क में, और कन्वेंशनल पोएटिक फॉर्म होता था, डीपली जो है शेप्ड होता था उनके एरा से रिलेटेड चीज़ों पर, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द फायर साइड और द होम हाउस होल्ड और द स्कूल रूम पोएट्स। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी विलियम कुलेन ब्रांड, लॉन्गफेलो, ओलिवर वेंडल होल्म्स, ये सारे इसके मेंबर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 23, थॉमस नैश अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर इज नरेटेड बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी जैक विल्टन एन इंग्लिश पेज, ठीक है। सो थॉमस नैश द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर इज अ ब्रूटल and a realistic tale of adventure narrated with a speed of economy. The book described the travel through Germany and Italy, okay, of its rough hero and an English page, Jake Wilton, who lives by his wit and witness all short of historic event. Thomas Nash, ये एक एलिजाबेथन playwright हैं, poet हैं, satirist हैं, significant पैम्पलेट लिखते हैं, देन ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर द ग्रेट नॉवल अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, ठीक है। इनका अदर अगर वर्क देखा जाए तो समर लास्ट विल एंड टेस्टामेंट एंड द इजल्स ऑफ डॉल्स। क्वेश्चन नंबर 24, सो ये पूरा आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, द चैप्टर ऑफ द फॉल ऑफ रूपी यू मे ऑमिट, इट इज सम वॉट टू सेंसेशनल, इवन दीज मेटेलिक प्रॉब्लम हैव देयर मेलो ड्रामेटिक साइड, The fall of the Indian rupee in a final decades of 19th century is referred to be one of the Oscar Wilde's play. Identify the play. Iska correct option hai C, The Importance of Being Earnest. इतना मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, ये काफ़ी लंबा लंबा डिस्क्रिप्शन है, आप इसको देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इवोक्ड टू डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म न्यू हिस्टोरिस्ट क्रिटिसिज्म, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पोस्ट स्ट्रक्चरल रिकवरी ऑफ ऑथोरियल इंटेंट, ठीक है, ये पूरा देख लीजिए क्या है इसके बारे में, फॉलोइंग रूल कौन कौन सा रूल फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 26, द टेटुलर फिगर ऑफ फेडरिको गार्सिया लॉरसा एलिजी लेमेंट फॉर इग्नियासो सेंसेज मिजियास
वॉज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अ पॉपुलर मेटाडोर एंड राइटर. ठीक है, सो ये है पूरा पूरा क्वेश्चन नंबर 27. अर्ली अमेरिकन टेक्स्ट लाइक द स्लेव नैरेटिव वर ऑफन डिस्क्राइब एज टोल्ड टू नैरेटिव एज देयर ऑथर डेडिकेटेड देयर एक्सपीरियंस. द पर्सन हु नोटेड डाउन दीज एक्सपीरियंस आर, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, आई एम वेरी वेरी सॉरी. इसको आप अपने से पढ़ लो. देन क्वेश्चन नंबर 28. वन ऑफ द लेस नोटिस्ड एंड एक्नॉलेज डिस्टिंक्शन ऑफ द कैंटरबरी टेल इज दैट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, इंस्टेड ऑफ रिवीलिंग इंग्लैंड्स डिविजन इट रिवील्ड इन इट्स डाइवर्सिटी. बहुत वैसे हो गया ना ये वाला, कोई नहीं होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ बटलर इंग्लिश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अ मिनिमल पिडगिन दैट इमर्ज ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम इन द मद्रास प्रेसिडेंसी. ओके, ये पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन अगर मैं पढ़ने बैठूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा बिकॉज 100 क्वेश्चन करने, तो इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा. इन क्वेश्चन नंबर 30, इन द स्प्रिंग ऑफ 1941 निकोलस Kazantzakis embarked on one of his most ambitious project, a play known as Yangtze. What English Greek title is known as? Is it now known as? So its correct option is C, Buddha. During the Raja, the British viewed their rule term of thankless duty to uplift the downtrodden and inculcate order into Oriental mind. The mission to civilize the silent swollen people of the East was burden imposed upon them by dynasty. The last observation is a fairly obvious allusion to. तो इसका correct option नहीं दिया हुआ है, इसको UGC net ने define नहीं किया था, इसलिए अब I don't know what is the answer. अगर मिलेगा तो आपको ज़रूर बता देंगे. क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर अ ब्लैक आई ड्रॉप हु कॉन्स्टेंटली रिवील्ड अ फ्यू डिसकलर्ड फैंग दैट वर येट स्कैटर्ड इन दिस माउथ एंड गेव हिम द एस्पेक्ट ऑफ द पेंटिंग डॉग. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, डेनियल क्विलिप, द ओल्ड चैरिटी शॉप. ये पूरा पूरा उसके बारे में दिया हुआ है. ओल्ड चैरिटी शॉप इज़ वन ऑफ द टू नॉवल विच पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द शॉर्ट स्टोरी इन चार्ल्स डिकेंस वीकली सीरीज मास्टर हम्फरी क्लॉक. ठीक है, ये पूरा पूरा उसको देख लीजिएगा आप, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 33, द गुड थिंग अबाउट द वर्ड हनीफ कुरैशी रिमार्क इन लूज टंग इज दैट देयर फाइनल इफेक्ट इज इनकैलकुलेबल. यू कैन नेवर नो वॉट योर वर्ड माइट टर्न आउट टू मीन फॉर योर सेल्फ और समवन एल्स और वॉट द वर्ल्ड दे मे will be like. Anything could happen. The problem with silence is that we know exactly what it will be like. Qureshi sums in some suggested. ठीक है, तो इसका correct option है C, 1 and 4. So there is always some risk involved in writing and speaking. The unpredictable indeed is the strength of word. Then question number 34, Arnold Wesker is associated with the Kijan Singh drama rather than condescending the title applied to the then new waves realistic drama depicting the family lives of working class characters on the stage of a broadcast play. Two of the following plays begins with one character doing the dishes in the kitchen sink. Identify the pair. Iska correct option hai C, the chicken soup in with barley and minans. ठीक है, अर्नाल्ड वेस्कर का फर्स्ट ट्रायोलॉजी प्ले है द चिकन सूप बार्ले परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज एट द कोवेंट्री. ये पूरा देख लीजिएगा, ये पूरा पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, इतना बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज. मैं क्यों एक ही बात बार बार बोल रही हूँ, आप समझ गए होंगे. क्वेश्चन नंबर 35, ये पूरा पूरा है, देख लीजिए. द पैसेज कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एसे. ठीक है, ये पूरा एसे है. वी नो Now that a text is not a line of word realizing a single theology meaning. ठीक है, ये पूरा अब ये पूछ रहे हैं किस ऐसे से लिया गया है. इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, द डेथ ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर बाई रोनाल्ड बार्थ्स. ठीक, ये पूरा उनके बारे में है डिस्क्रिप्शन.
इनका इम्पॉर्टेंट वर्क डेथ ऑफ द ऑथर राइटिंग डिग्री जीरो इफेक्टिव रियलिटी, फिर क्वेश्चन नंबर 36 टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो डैश इज दिस पिटी पेज फ्रॉम डे टू डे द लास्ट टू द लास्ट डैश ऑफ रिकॉर्डेड टाइम. अब इसमें आपको बताना है कि ये इसमें कौन कौन से वर्ड मतलब फिल होंगे. ठीक है, तो टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स, ठीक है, इज अ पिटी पेज फ्रॉम डे टू डे टू द लास्ट सेलेबल ऑफ रिकॉर्डेड टाइम. और फिर यहाँ दैट में होगा स्टूअर्ड्स एंड देन एंड हर्ड, ये मैकबेथ की लाइन है. ओके, देन एजर्शन रीजनिंग है, इतना बड़ा एजर्शन है. जेंडर क्या है, जेंडर स्टडी डू नॉट सी एज एन अर्जेंट नीड टू हेल्पिंग अस नेविगेट अ वेरियस पिटफॉल ऑफ रेसिज्म इथनोसेंट्रिज्म कल्चरल रिलेटिविज्म एंड प्लेन इग्नोरेंस दैट फ्लो फ्रॉम यूजिंग कल्चर एज एन एक्सप्लेनेटरी टूल. रीज़न क्या है, इशूज रिलेटिंग टू वुमेन राइट जेंडर रोल्स सेक्शुअलिटी एंड फैमिली ऑब्लिगेशंस आर सेंटरली इम्प्लिकेटेड इन सो कॉल्ड क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बिटवीन क्रिश्चियनिटी और सेकुलरिज्म और इस्लाम. सो ए है, आर डज नॉट फॉलो लॉजिकल फ्रॉम ए. इन थॉमस मूर्स इथियोपिया बुक टू द रीडर इज टोल्ड दैट इन दिस न्यू वर्ल्ड देयर आर फ्यू मिस्टेक इन मैरिज बिकॉज, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, परस्पेक्टिव हस्बैंड एंड वाइफ सी ऑन अनदर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड वाइव्स सी वन एंड अदर नेकेड बिफोर एग्रींग टू मैच टू द मैच. सो अब यस, क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ दिस नॉवल डज इटालियो कैल्विनो कंस्ट्रक्ट हिज नैरेटिव थ्रू द ट्रॉट पैक ऑफ कार्ड्स एंड री इंटरप्रेट द वेस्टर्न कैनन प्रोवाइडिंग अ न्यू वर्जन ऑफ ऑडिपस रेक्स फॉस्ट हैमलेट मैकबेथ एंड किंग लियर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, द कैसल ऑफ द क्रॉस डेस्टिनीज. देन जो हेलो कैल्विनो है, इनके अदर वर्क देख लिया जाए, आवर एनसेस्टर ट्रायोलॉजी इन कॉस्मोकोनिक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इनविजिबल सिटी द बैरन ऑफ द ट्री. ठीक है, एंड 40 है, इन इमिटेशन ऑफ विच क्लासिकल पोएट डिड सैमुअल जॉनसन राइट हिज लंडन एंड वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, जुविनाइल. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वर नॉट पास्ड ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा. तो इसका है अ वुमेन्स सफरेज एक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 42, द फॉल्ट ऑफ काउले एंड परहैप ऑल द राइटर ऑफ द मेटाफिजिकल रेस इज दैट ऑफ द परसुइंग हिज थॉट टू देयर रेमिनिफिकेशन बाई विच ही लूजेज द ग्रैंड्योर. ये पूरा स्टेटमेंट देख लिया. अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये पूछ रहे हैं, व्हाट डॉक्टर जॉनसन एक्चुअली फॉल्ट्स हियर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, द मेटाफिजिकल पोएट्स टेंडेंसी टू सेंट्योर्स अवे. देन इसमें मैच देख लेते हैं डायरेक्ट, ओ टू साइकी, इसका जो है ओ गॉड इज हियर दीज ट्यूनलेस नंबर बाई स्वीट इन्फोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस डियर. देन ओ ऑन ग्रेशियन अर्न का लाइन है, दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस thou foster child of silence and slow times, what to nightingale, my heart ache and a drowsy numbness, pains my sense as though a hemlock I had drunk. Then ode to melancholy, no, go not to, lead neither twist wolf bane, tight rooted for its poisonous wine. Then question number 44, why did Plato banish poets from his idle state? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इट रिप्रेजेंटिंग द सेंशुअल एस्पेक्ट ऑफ द रियलिटी द पोएट फॉल टू डिसर्न द ट्रांसडेंट रियलिटी बिहाइंड द मियर अपियरेंस. देन क्वेश्चन नंबर 45, विच इंटरप्रिटेशन ऑफ कीट्स ब्यूटी इन ट्रूथ ब्यूटी, जो कि ओ टू अ ग्रीशियन अर्न से लिया गया है, बेस्ट रिप्रेजेंट द मिमेटिक परस्पेक्टिव. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, वर्क ऑफ लिटरेचर इज ब्यूटिफुल इन सो फार एज इट ऑफर an accurate representation of its subject matter with fully realized character and vivid description of event. ठीक है, question number 46, what comes after gain pain in the famous Emily Dickinson poem. तो इसका correct option है A, a formal feeling. Then question number 47, what is peculiar about the reference in the following
of some poet name in the plural. It is freezing bleak day in January and I am looking for poetry. I see a few Chaucers, a few Shakespeare's and a hardcover $3 history of modern poetry published in 1987. Ye hai A, peculiar reference, synecdoche, use name of these prospective works. Hear God, hear Lucifer, beware, beware, out of ash, I rise my red hair and I eat men like air. 3 and 4 line above evokes a myth of the phoenix. ठीक है, ये Lady Lejeros Sylvia Plath की लाइन है. ये एक अमेरिकन पोइट है, नॉवलिस्ट है. इनके अदर वर्क देख लीजिए, बेलजार, प्लाथ पोएम, एरियल, लेडी लेजारस एंड कलेक्टेड पोएम. ये कन्फेशनल पोइट्री लिटरेरी मूवमेंट से जुड़ी हुई थी और इनको पुलित्जर प्राइज मिला था पोइट्री के लिए 1982 में. देन क्वेश्चन नंबर 49, इन हिज एस्से द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1864 मैथ्यू आर्नल्ड कंटेंडेड दैट. इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, क्रिएटिव पावर शुड बी रैंक्ड हायर देन द क्रिटिकल पावर. द फंक्शन ऑफ द क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम कंटेंडेड दैट क्रिएटिव पावर शुड रैंक्ड हायर देन द क्रिटिकल पावर इज रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड. और इनके अदर इंपॉर्टेंट वर्क है डोवर्स बीच, स्कॉलर, जिप्सी, थायरसिस, देन कल्चरल एंड एनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा. देन क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडेप्टेड विद द गोथिक जर्नर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, थोएबस सोमलेट्स, रॉड्रिक रैंडम, अदरवाइज बाकी सब गोथिक है. क्वेश्चन नंबर 51, हु अमंग द एंशिएंट प्रिस्क्राइब दैट पोएट्री बोथ शुड बोथ इंटरेस्ट एंड डिलाइट्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, होरेस. क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज ऑनर अ वर्ड, व्हाट इज दैट वर्ड ऑनर, एयर, द ट्रिम रेकनिंग, हु हैथ इट, He that die, O Wednesday. ये पूरा लाइन आपने देख लिया. Which character in following Shakespeare's drama made this statement about honor? किसका statement है ये Shakespeare के work में? तो Falstaff का है in King's Henry IV Part 1. अदर वर्क अगर शेक्सपियर के देखें तो Macbeth, Hamlet, Glier, Othello और भी सारे. Then match देखते हैं, इधर concept है, इधर definition है. Collocation, a combination of two lexical item in a grammatical pattern. Corpus, a large body of text. Hyponymy, a semantic relationship to one to many. Metrics, agreed, used in a lexical analysis. Question number 54, the following line are W.B. Yeats' metaphor for an old man. A tattered coat upon a stick unless soul clap in hands and sing and louder sing. For every tattoo in this mortal dress, hear the aged man dash and soul, and his soul dash in its mortal dash dress is dash. The correct option had tenure and vehicle. ठीक है. Question number 55. In an ode, William Collins lamented the passing of a contemporary poet. The ode began with the line, "In yonder grave of durid lies." Name the poet whose passing Collins lament. तो इसका correct option है A, James Thomson. The ode on the death of Mr. Thomson. William Collins जो है वो lament करते हैं अपने contemporary poet के लिए. तो ये जो line है ये William Collins की line है और जिस work से ये line उठाई गई है उसका नाम है Ode on the Death of Mr. Thomas. Then question number 56. Jonathan Swift arrived in London in 1710 and confronted a rapidly changing world in a new Troy ministry. His reaction to this world are vividly recorded in his journal to Stella, a series of letter addressed to. Iska correct option hai C, that is Esther Johnson and Rebecca Dingley. देन क्वेश्चन नंबर जो 57 है वो है मैच, टर्म है और थियोरिस्ट है. तो देख लेते हैं, नेग्रिट्यूड है एमी कैसायर का, देन वुमेनिज्म है एलिस वॉकर का, इंटरप्लेशन लुइस एल्थसर का, पब्लिक स्फीयर जार्गन हैब्रिमास का. क्वेश्चन नंबर 58, इन द नॉवेल ऑफ ग्राहम ग्रीन अ डाउट एजेंट यूजेस क्लासिक वर्क ऑफ फिक्शन टू इनकोड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ही पुट क्लारिसा हेरलो बैक इन द बुक केस इज द फर्स्ट क्ल्यू
टू दिस ट्रेचरी, ठीक है, देन ही ड्रॉ द वॉर एंड पीस एंड द वे वी लिव नाउ एज मैट्रिक्स फॉर सीक्रेटली ट्रांसमिटिंग इनफॉर्मल आइडेंटिफाई द नॉवल. किस नॉवल के मतलब की बात कर रहा है यहाँ पे. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी द ह्यूमन फैक्टर. हेनरी ग्राहम ग्रीन के जो अदर वर्क हैं वो हैं इट्स बैटल फील्ड, इट्स अ बैटल फील्ड, देन जर्नी विदाउट मैप, द कॉन्फिडेंशियल एजेंट, द गन ऑफ फॉर सेल, द ह्यूमन फैक्टर, एंड शी इज़ ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर टू टाइम्स, 1966 में भी 67 में भी. क्वेश्चन नंबर 59, द रोमांटिक पीरियड प्रोड्यूस द फेयर अमाउंट ऑफ ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म, अ नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ वन नॉकिंग एट द गेट ऑफ गेट इन मैकबेथ, हु इज़ द ऑथर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए थॉमस डी क्विंसी. On the Knocking at the Gate in Macbeth is written by Thomas De Quincey and it is the best known for his confession of an English opium eater. Question number 60. Who view Wordsworth, Southey and Coleridge as representative of seat of poet? ठीक है. So इसका जो correct answer है ये है Francis Jeffrey. Question number 61. यहाँ character है, यहाँ play है, आपको match करना है. Dorimant. ठीक है. ये हैं अ मैन ऑफ मोड, लेडी फिजेट, द कंट्री वाइफ, मेलीवॉल, द मेल कंटेंट एंड वार्निश, द प्लेन डीलर. 62. व्हाई डोंट वी हैव अ लिटिल गेम, लेट्स प्रिटेंड दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट वी आर एक्चुअली अलाइव, दिस पैसेज फॉर्म अ पार्ट ऑफ जॉन ऑसबोर्न लुक बैक इन एंगर. अदर वर्क जो है ऑसबॉर्न की वो है अ बेटर क्लास ऑफ पर्सन ऑलमोस्ट अ जेंटलमैन एंड ऑटोबायोग्राफी एंड वेस्ट इन स्विस. 63. निकोलस निकलबाई फर्मली एस्टैब्लिश चार्ल्स डिकेंस एज अ डोमिनेंट नॉवलिस्ट ऑफ हिज टाइम एंड द बुक एज एन अनरिवाइवल्ड लिटरेरी फेनोमेना. टू सेलिब्रेट द कम्प्लीशन ऑफ द बुक अ पेंटर noted that there had been nothing comparable to him since the day of Samuel Richardson. Identify the painter. Iska correct option hai C, David Wilkie. Then question number 64, ye pura passage hai, dekh rahe hain. I have carried the manuscript of these translation. Ye pura passage hai. In this passage Yeats praise Indian culture primarily because. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एम्बॉडीज वैल्यू एंड गिव राइज टू आर्ट दैट कैन बी शेयर्ड बाय पीपल एंड ऑल क्लास. 65. एज बॉय ग्रोइंग अप अ स्क्वायर एल वर्दीज ईस्ट स्टेट टॉम गेट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इनटू ट्रबल. आइडेंटिफाई दैट कैरेक्टर. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ब्लैक जॉर्ज. देन इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड सजेस्ट दैट देयर आर सेवरल काइंड ऑफ मीनिंग and that total meaning is blend of contributory meaning which are different types. He identify four kind of meanings. A total meaning of a word depend upon four factor. Choose the right combination as proposed by Richards. C. तो फोर जो इसके फैक्टर हैं जिसके ऊपर वर्ड की मीनिंग डिपेंड होती है, या ये कह रहे हैं कि जैसे जो राइट कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का जिसके थ्रू आप समझ पाते हो कि क्या बोला जा रहा है या राइट मीनिंग क्या है, वो होती है चार चीज़ें. कौन कौन सी चार फैक्टर्स हैं? सेंस, फीलिंग, टोन एंड मैटर. देन क्वेश्चन नंबर 67. विच वॉल्टर स्कॉट नॉवल इज सेट इन फ्रांस इन द 15th सेंचुरी. तो क्विंटिन अदर वर्क जो है स्कॉट का वो देख लेते हैं. रॉब रॉय, ओल्ड मॉर्टेलिटी, द लेडी ऑफ अ लेक, द हार्ट ऑफ मिडलोथियन. देन डेविड मेलॉफ नॉवेल रैंसम इज बेस्ड ऑन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एपिसोड इन अ ट्रोजन वॉर. ये इसमें ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में उन्होंने बात की है, ट्रोजन वॉर के बारे में. 69. यहाँ ऑथर है, यहाँ टाइटल है, देखिए कौन कौन सा है. एलन पेटॉन, क्राई द बिलवड कंट्री, नगुगी वा थियोंग, द ग्रेन ऑफ वीट, टीजू कोल, ओपन सिटी, वोल्सो इनका द इंटरप्रेटर, बिराज कचरू हैज़ ऑब्जर्व द टेंडेंसी, बिराज कचरू हैज़ ऑब्जर्व द टेंडेंसी अमंग इंडियन इंग्लिश स्पीकर एंड राइटर टू यूज द हाइब्रिडाइज्ड लेक्सिकल आइटम. वन एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसका डी है, लाठी चार्ज. देन क्वेश्चन नंबर 71, फुल माई लेडी, ठीक है, ये पूरा लाइन देख लीजिए. आई हैव आईड
विद बेस्ट रिगार्ड एंड मेनी अ टाइम. ये पूरा पूरा जो पैसेज है, दिस पैसेज एडमायरिंग द परफेक्ट मैचिंग ऑफ इनर एंड आउटवर्ड ब्यूटी ऑफ अ वुमेन इज टेकन फ्रॉम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट. देन 72, इन ट्रेडिशनल ई एल टी मैथड ऑफ मटेरियल द नेटिव स्पीकर इज एलिवेटेड एंड आइडियलाइज अगेंस्ट द स्टीरियोटाइप नॉन नेटिव स्पीकर. दिस टेंडेंसी इज डब्ड बाई एंड्रियन हॉलीडे. ठीक है, डब डैश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेटिव स्पीकरिज्म. ठीक, क्वेश्चन नंबर 73, देयर आर हेल्पर्स एंड हार्मर्स अमंग द फेलो पिलग्रम्स इन क्रिश्चियन जर्नी इन पिलग्रम प्रोग्रेस, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, द वर्ल्डली वाइज मैन, बाकी सब जो है हेल्पर रहते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट इन डब्ल्यू ई बी ड्यू बोइस फेमस आर्टिकुलेशन ऑफ टॉयनेस ऑफ ब्लैक अमेरिका, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इट इज़ अ पिक्यूलियर सेंसेशन दिस डबल कॉन्शियसनेस दिस सेंस ऑफ ऑलवेज लुकिंग एट वन सेल्फ थ्रू आई ऑफ अदर. 75, द टर्म डिगर इज एसोसिएटेड विद अ ग्रुप ऑफ एग्रेरियन कम्युनिस्ट हु फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड इन 1649-50 एंड वर लेड बाय, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जेरेंस विंस्टेंसले. क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट एट्रीब्यूट टुवर्ड्स डेथ वुड यू फाइंड सच पोएम एज टेनिसन क्रॉसिंग द बार विटमैन डेथ कैरोल एंड किपलिंग एल इन इनवॉय, बी, होप. क्वेश्चन नंबर 77, इन विच वर्क डज विलियम ब्लेक से मिल्टन वॉज ट्रू पोएट ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, इसको विलियम ब्लेक ने लिखा है. क्वेश्चन नंबर 78, इन द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वॉज सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन इंग्लिश हिस्ट्री, वॉट फ्रेंच डिड द नॉर्मन स्पीक्स एंड वॉट वॉज इट नोन एज, इसका करेक्ट ऑप्शन है, दे स्पोक नॉर्मन फ्रेंच, देयर्स was certainly not the standard French. 79, which of the following statement on Raja Mohan wife is not true, तो इसका correct option है Bumkin Chandra, published it soon after the serialization and was elated in seeing its first copy. So yes, Raja Mohan wives. Then deconstructionist critique argue that texts are never free from, so see, distortion, inherent inner rhetoricity of language. Then 81, 1992 demolition and disrupted structure in Ayodhya produced two controversial literary responses, identify them. Iska correct option hai B, The Moor's Last Sigh and Lajja, do aaya tha. Theek hai, The Moor's Last Sigh, the fifth novel of Salman Rushdie, published in 1955. The book draw the variety of real historical figure and event, including the surrender of Granada by Bob Dylan, the demolition of Babri Masjid, and 1993 Bombay bombing. ठीक है, द गैंगस्टर एंड टेररिस्ट. और जो लज्जा है वो तस्लीमा नसरीन का नॉवल है, बांग्लादेश की है. और Lajja is a response of Taslima Nasreen to anti-Hindu riot that erupted in the part of Bangladesh soon after the demolition of Babri Masjid in India. Then 82, Albert Camus borrowed the following epigraph in his novel Plague from. It is a reasonable to represent one kind of imprisonment by author by another, as it is to represent anything that really exists by that which exists not. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, डेनियल डीफो, रॉबिन्सन क्रूसो. अदर वर्क देख लेते हैं, वो है द स्ट्रेंजर, मिथ ऑफ सिसिफस, द रिवेल एंड द प्लेग. नोबेल प्राइज मिला है 1957 में. देन 83, विच एंशियंट ग्रीक राइटर नेम इज डायरेक्ट मेंशन इन लॉर्ड बायरन पोएम द आइल्स ऑफ द ग्रीस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेफो. देन क्वेश्चन नंबर 84, वॉट इज a dedicated balancing act of Andrew Marvel Horatian Ode, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, celebrating Cromwell's victories while inviting sympathy for the executed king. ठीक है, Andrew Marvel का अदर वर्क देखते हैं, Rehearsal of Transport, Mr. Smirk on the Divine Mode. Then pamphlet है an account of the growth of
प्रॉपरी एंड आर्बिट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग थीम वॉज नॉट कॉमन टू द वर्क ऑफ कैवेलियर पोएट सच एज थॉमस कार्यू, डेनहम, वेलर, सकलिंग, श्रिले, लवलेस एंड हैरिक. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, पायस डिवोशन टू द रिलीजियस वर्च्यू. ये नहीं था थीम इनका. 86 ये पूरा पोएम है जॉन डन का. क्या है, आह व्हाट अ ट्रिफल इज अ हार्ट, विच सेंटेंस बेस्ट पैराफ्रेजेस 5 लाइन टू द पैसेज. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अनबिडन पेन अफ्लिक्ट्स अस बट वी आर लर्ड बाय अ लव. ये ब्रोकन हार्ट से लिया गया है. अदर जो वर्क है डन का वो देख लेते हैं. Pseudo Martyr, Ignatius, His Conclave, Devotion Upon the Emergent Occasion. 87 का Dash, Read Adam Bede with such pleasure that she not only keenly recommended it to her relative but also commissioned two paintings of sense from the novel. तो इसका correct option है A, Queen Victoria. Then 88, The Grammar Bullies You Read Them is a place like a New York Times and they tell you the what is incorrect. So ये पूरा पैसेज आपने देख लिया, इसको पॉज करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए. और उसके बाद है To which famous essay of Cromwell does the author refer here? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, अदर वर्क देख लेते हैं. शूटिंग एन एलिफेंट, वाई आई राइट अ हैंगिंग एडम बेड, पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज. ये सारे जॉर्ज ऑरवेल का वर्क है इम्पॉर्टेंट. देन मैच करना है 89, देख लेते हैं. करपाज लास्ट टेप, अ लेट इवनिंग इन फ्यूचर वाइल लाइट, हैप्पी डेज, एक्सपेंस ऑफ स्कॉर्च्ड ग्रास, फॉर्मिंग अ लो माउंड, बिल्डिंग लाइट, Waiting for Godot, A Country Road, A Tree, End Game, A Bare Interior to a Small Window, High Up, Grey Light. Question number 90. The following epitaph was written by Rudyard Kipling during the War of 1914 and 18, Indian Hind Sepoy in France. This man is in his own country, prayed we know not to what powers, we pray them to reward him for his bravery in ours. Power here refer to dash them, to dash and to our, to ours to dash. Isme hoga C. Power here refer to the divine them, to power and our, to ours to our country. Theek hai. रूडयार्ड किपलिंग इंग्लिश पोएट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट. नोबेल प्राइज मिला 1905 में. ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी. अब इनके कुछ नोटेबल वर्क देख लेते हैं. जंगल बुक है, जस्ट सो स्टोरी, किम, अ टेल ऑफ एडवेंचर, अ मैन हु वुड बी किंग एंड द वाइट मैन बर्डन्स. ठीक है, 91 मैच है, ऑथर है, यहाँ नॉवल है. चित्रा बनर्जी, दिवाकारुणी, Sister of My Heart, Anita Rao Badami, The Hero's Walk, Anjana Appachana, yes, Listening Now, Indra Ganeshan, Inheritance, 92, Ellen Tett, Once Made a Useful Distinction Between the Structure and Texture, Distinction Refer to, so iska correct option hai, Ellen Tett, an American poet, क्या डिस्टिंक्शन बनाया था उन्होंने, द मेन लाइन ऑफ नैरेटिव आर्ग्यूमेंट एक्सेट्रा एंड द रेटोरिकल स्टाइल, मेटाफोरिकल एंड अदर डिवाइस रिस्पेक्टिवली. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है उनके लिए, अकॉर्डिंग टू एलन टेट, स्ट्रक्चर इज द मेन लाइन ऑफ द नैरेटिव आर्ग्यूमेंट. ठीक है, वाइल टेक्स्चर क्या होता है, टेक्स्चर इज द रेटोरिकल स्टाइल, मेटाफोरिकल एंड अदर रिस्पेक्टिव्स. ठीक है, तो ये अंतर है और यही पूछा है. 93 यहाँ कैरेक्टर है, यहाँ वर्क है, रूपर्ट बर्किंस, वुमेन इन लव, लिडिया लेंस्काई, रेनबो, मरियम लीवर्स, सन्स एंड लवर, रिचर्ड सोमर, कैंगरू. 94 ये पूरा देख लीजिए. व्हाट टोन विल बेस्ट सूट द फॉलोइंग पोयम, इसको पढ़ें. द कमिंग ऑफ विजडम विद एज, Though leaves are many, the root is one.
Though all the lying days of my youth, I spared my leaves and flower in the sun. Now I may wither into truth. क्या है? Regret है ये. ये poem है Coming of Wisdom with Age is written by William B. Butler Yeats. ठीक है? 95 देख लें. Search the head of the greatest river in the world. You shall find them but bubbles of water. Who is the author of this line? John Webster. और इसका जो ये work है ये है Duchess of Malfi. 96. The title Delane Thomas' Death and the Entrance was taken from D. John Donne Death's Duel. ये पूरा work मतलब उनके बारे में description है. 97. Mango Sofol, India's first major gay themed film. Is an adaptation of Mahesh Dattani play. कौन सा play है? तो है On the Muggy Night in Mumbai. Mango Sofol. ठीक है. महेश दत्तानी का जो अदर वर्क है वो है फाइनल सॉल्यूशन डांस लाइक अ मैन ब्रेवली फॉट द क्वीन एंड 30 डेज इन सितंबर फिर 98 से 100 तक जो है ये पैसेज है देख लें और इसी पैसेज से क्वेश्चन पूछा है ये 2018 का पेपर है सो इसको आप पढ़ लें और इसको आप सॉल्व कर लें इसी के साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है काफ़ी लंबा वीडियो था 100 क्वेश्चन डील करने में मुझे थोड़ी थकान हो गई सो चलिए आई नो इट इज़ वेरी बोरिंग अब हमको लग रहा है कि ये सेशन ख़त्म ही हो जाएगा एक और पेपर है उसके बाद हम इस पेपर को ख़त्म कर देंगे और फिर कुछ अच्छा पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग तो चलिए इसी के साथ अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो